आज मैं आपको कठिनाई का चैप्टर नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है बहुपद तथा उनके गुणनफल। तो इसमें पहला सवाल है आपका, बहुपद वाई क्यूब माइनस के वाई माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2 का अवरोही क्रम देखो। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या उसके बाद छोटी संख्या रखेंगे। तो आंसर है आपका इसका वाई क्यूब, उससे छोटी बात है आपकी माइनस के वाई स्क्वायर। तो हमने बताया माइनस के वाई स्क्वायर, फिर माइनस के वाई और माइनस के अंडर रूट 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको मैं सवाल नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। बहुपद एक्स का है प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x का 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 का आरोही क्रम दो। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, उसमें वन है हमारी, क्या है वन। तो पहले हम लिखेंगे वन प्लस, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स क्या है थ्री एक्स, फिर उसके बाद क्या है हमारी टू एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारी एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स को बाद टू प्लस एक्स का बाद फाइव। ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको मैं सवाल नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। इसमें दे रहा है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, इसमें हमें बहुपद नहीं है, चार आंसर दे रहा है, चार में से मान लो एक आंसर होगा वो बहुपद नहीं है। तो हम ये देखेंगे एक्स को कोई अंडर रूट है या नहीं, पर या कोई बट्टे में संख्या है या नहीं। तुम्हारा इसमें कोई है नहीं है, तुम्हारा ये बहुपद है, ये हमारा बहुपद है। हमें दिख रहा है एक्स पर अंडर रूट लगा, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। तो लिख देंगे इसके सामने बहुपद नहीं है, तो ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। आपका सवाल नंबर 4 पूछ रहा है कौन कौन से बहुपद हैं। तो पहला वाला हमारा देखेंगे बहुपद है या नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये हमारा बहुपद है या नहीं। तो हम देखते हैं बहुपद में पता करते हैं एक या तो आपकी संख्या अपॉन में हो या अंडर रूट में हो। तो हम एक्स पे अंडर रूट देखेंगे या अपॉन अपॉन में संख्या हो वो देखेंगे। तो सबसे पहले पहला वाला देखेंगे बहुपद है, क्योंकि बहुपद है। आपका दूसरा वाला भी बाई पे घात 8 माइनस 4 है, तो ये भी आपका क्या है बहुपद है, बहुपद है। तीसरा वाला आपका अपॉन में आ गया x, तो ये बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे आप बहुपद नहीं है। अगला वाला सवाल है आपका 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x प्लस 7, तो इस पे एक्स पे अंडर रूट आ गया, इस ये आपका बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगला भी आपका सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर वन अपॉन माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ये अपॉन में संख्या आ रही है, तो ये बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद नहीं है। सवाल नंबर है आपका अगला, अगला सवाल है आपका चौथे का सिक्स सवाल। इसमें देखेंगे एक्स बघात 4 माइनस 3x प्लस के 2 आ रहा है, तो ये हमारा बहुपद होगा, तो लिखेंगे बहुपद है। सवाल नंबर है आपका 7, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन 3x प्लस के 6, ये आपका बहुपद है, बहुपद है। ये आपका है पहले कोष्टक में x प्लस 4 है और दूसरे कोष्टक में आपके x प्लस 5 है, तो ये हमारा बहुपद है। तो इस पर लिखेंगे बहुपद है। अगला सवाल है आपका 9, तो ये सवाल नंबर है आपका 9, x प्लस 5 का होल वर्ग दे रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये बहुपद है, तो हम लिखेंगे बहुपद है।
एक इतनी सेट करें दोबारा कर लो और बनावे आज ग्राइंडर फ्लैंडर चलाते ना जी ग्राइंडर के बाद ज्यादा आवे जावे मेहनत भी फालतू की जावे चले तो छोड़ दे रहे हैं।